वैसे तो स्कूबा डाइविंग काफ़ी सेफ है, मतलब इंडिया में आप यदि गोवा में करना चाहें या किसी भी तटीय स्थान पे कर सकते हैं। अधिकतर मतलब जो इंडिया में फेमस है अंडमान में, तो मैंने भी ये नील आइलैंड पे स्कूबा डाइविंग की थी। स्कूबा डाइविंग में आपको पहले 15 मिनट प्रैक्टिस करवाते हैं विथ ये ऑक्सीजन सिलेंडर से, आप ऑक्सीजन ले पा रहे हैं कि नहीं किसी छिछले पानी पर। उसके बाद आपको ले जाते हैं और आपके साथ दो लोग जाते हैं, एक आपका कैप्टन जो आपको जो दिख रहा है इस वीडियो में जो पीछे है मेरे, और एक कैमरामैन जो अब शूट करता है। नील आइलैंड पे इसका कॉस्ट जो लगा था इट्स अराउंड 3,000 to 5,000, इट्स डिपेंड्स अपॉन द ड्यूरेशन ऑफ टाइम यू वांट टू डू दैट एक्टिविटी। तो उसके समय अवधि पे ये डिपेंड करता है। दूसरा कि हाँ, एक यादगार मोमेंट होता है यदि आप ऐसी जगह जाए जहाँ पे स्कूबा डाइविंग होती है, तो मेरी सलाह तो यही है कि आपको करना चाहिए। थोड़ा सा शुरुआत में प्रॉब्लम होता है, मतलब आप लगभग 10-15 या जितनी आपकी कैपेबिलिटी है या आपने जितना इतना डीप सी में स्कूबा डाइविंग करना चाहते हैं, बट आई थिंक जो नोवाइस होते हैं, जो नौसिखिए होते हैं या जो पहली बार शौक की तरह करते हैं, उतना डीप नहीं ले जाते हैं, बट स्टिल काफ़ी प्रेशर रहता है पानी का, जो कान के ईयर ड्रम पे काफ़ी मतलब आप दबाव महसूस करेंगे, जो मेरे साथ भी हुआ था। और पहली बार तो मुझे लगा कि मैं नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मेरे पहली बार जब उतने डीप सी में ले गए तो मेरे कान में काफ़ी दर्द होने लगा, बट फिर मैंने उन्हें सिग्नल दिया कि मुझे ऊपर जाना, फिर ऊपर गए वहाँ पे, फिर मैंने हिम्मत जुटाया, फिर उसके बाद दोबारा मैंने अंदर गया और उसके बाद किया। स्टिल मुझे फील हो रहा था, वो बताते हैं कि आप नाक को बंद करके एयर का प्रेशर कीजिए तो आपका ईयर ड्रम खुल जाएगा। तो दूसरे नंबर पे है क्लिफ जंपिंग। क्लिफ जंपिंग पे ध्यान देने वाली बात है कि आप जब क्लिफ जंपिंग करें तो हमेशा ध्यान रखें कि पैर और हाथ बॉडी के लाइन में हो, नहीं तो आप यदि पैर आपके खुले रह जाएंगे तो आपके डेलिकेट प्लेस पे चोट लग जाएगा, हाथ खुले रह जाएंगे तो हाथ पर लगेगा। तो जिस तरह से इस पर कूदा गया एक सटीक था, इस ये काफ़ी प्रॉपर था। तीसरे नंबर पे है पैराग्लाइडिंग। इंडिया में वैसे तो बहुत जगह से होता है, मनाली में होता है, नैनीताल में होता है, बट सबसे ऊँचे स्थान पर इंडिया पे बीर बिलिंग में होता है। बीर बिलिंग एक जगह है हिमाचल में, वहाँ से होता है। तो ये जो मैंने किया था पैराग्लाइडिंग, ये बीर बिलिंग से किया था। ये जो कैमरा इन्होंने दिया था ये इतने अच्छे क्वालिटी का नहीं था, या मे बी ब्लर था वहाँ पे कुछ था, इसलिए इमेजेस क्लियर नहीं है। बट ये आप बीर बिलिंग में उतरेंगे, फिर आपको गाड़ी से लेके जहाँ से उस पहाड़ की ऊँचाई पर ले जाते हैं, वहाँ पर आपको सबसे पहले इस पैराग्लाइडिंग के साथ इंस्ट्रक्शन दिया जाता है। इंस्ट्रक्शन ये दिया जाता है कि एक ढलान पहाड़ी होती है, तो उस पर आपको दौड़ना रहता है, जिस पर वो बोलते हैं कि आप दौड़ना, मतलब ऐसा नहीं है कि पैर मतलब दौड़ना मस्ट है एक इसके साथ जब दौड़ते हैं, तो उसके बाद स्लोप के बाद वो पैराग्लाइडिंग हो जाता है। उसके बाद आराम से कुछ भी दिक्कत नहीं होता है, स्थिर एक जिस तरह हवाई जहाज आप यात्रा किए होंगे स्थिर जिस हिसाब से रहता है उसी तरह स्थिर रहता है आराम से। दूसरा कि बीच में कैप्टन पूछता है कि आप कोई मतलब एक्स्ट्रा सर्विसेज काइंड ऑफ थिंग्स मीन्स कोई करतब करवाना चाह रहे हैं तो उसका एक्स्ट्रा पैसा लेंगे, जैसे मैंने बोल दिया था हाँ। तो ये पहली बार ये पूरा तेज़ी से घुमाते हैं, यदि आपको उतनी आदत नहीं है या आपको उतना डर लग रहा है तो आप ये ना करें। दूसरा, लैंडिंग करते समय कोशिश करें कि पैर सही पर, जैसे मेरा पैर सही नहीं था इसमें, बट सही पैरों के थोड़ा बल पे उतरें तो सही रहेगा। अगला नंबर आता है रैपलिंग का। रैपलिंग में एक चट्टान पे आपको खड़े रस्सियों के मदद से उतरना रहता है। ये मैं पहली बार नैनीताल के टिफिन टॉप पे किया था और काफ़ी डर था यदि डर ना हो तो एडवेंचर किस चीज़ का, क्योंकि डर ही या एडवेंचर जब मिक्स होता है तो वह एड्रेनल रस और रोमांच पैदा करता है। इसमें धीरे धीरे कैप्टन आपके साथ रहते हैं, वो एक्चुअली सेम रस्सी से बंधे रहते हैं, तो वो धीरे धीरे छोड़ते रहते हैं और आपको एक फ्रॉग जंप टाइप का लेना रहता है और आप धीरे 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 आप नीचे उतरते रहते हैं। इसमें ये रहता है कि आप
वैसे आपको डर लगेगा, आप चाह के भी वो नहीं करेंगे जो कैप्टन कहेगा, लाइक कि आप पैर स्ट्रेट रख के जंप करो, आप कहीं ना कहीं बेंड करके रखोगे। बट हाँ, यदि पैर स्ट्रेट करके, मतलब जब आप इंक्लाइंड पे है, आपका पैर स्ट्रेट है, तो आप जंप कर सकते, मतलब धीरे 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 फ्रॉग जंप करके नीचे आते रहें। और आप रस्सी काफ़ी शुरुआत में कस के पकड़ेंगे, बट एक्चुअली काफ़ी लाइट पकड़ना रहता है, सो दैट कि एक हाथ से आप धीरे धीरे रस्सी छोड़ते रहें और वो फ्रॉग जंप लेते रहें। बट एक्चुअली इंस्ट्रक्टर आपके साथ होता है तो ऐसा कोई डर होता नहीं है। ये 100 फीट का रैपलिंग था, ये पहला बार इंस्ट्रक्शन दिया कि आपको फ्रॉग जंप करना है, ये मैंने ट्राई किया पहली बार। फिर धीरे धीरे, फिर उसके बाद आप, मतलब यूज्ड, आपको डर चला जाता है तो आपके अंदर एक आत्मविश्वास आता है, कॉन्फिडेंस, तो आप कर लेते हैं। और काफ़ी अच्छा था, मुझे काफ़ी अच्छा लगा, ये मैंने पहली बार किया 100 फीट। मैं शुरुआत मुझे काफ़ी डर लगा था कि ये आखिर कैसे करते हैं, करेंगे 100 फीट नीचे पूरे खड़े चट्टान पे कैसे जाना है। फिर उसी तरह, फिर 100 फीट के अंदर एक रास्ता बना था, मतलब कि आप एक तरह से माउंटेनिंग करके आ जाइए। अगला और ये आखिरी जो इस वीडियो का एडवेंचरस स्पोर्ट है, राफ्टिंग, जो मेरा वन ऑफ द फेवरेट है और इस केस में मुझे करना बहुत पसंद है। उसका कारण यह है कि मुझे गंगा जी में नहाना बहुत पसंद है। कोई भी एडवेंचरस स्पोर्ट रोमांच के साथ एक रिस्क तो होता ही है। तो यदि आप कोई भी एडवेंचर स्पोर्ट करते हैं तो इंस्ट्रक्टर जो भी कहता है उसको फॉलो करें। और जैसे एक बार मैंने, कई बार किया है राफ्टिंग ऋषिकेश में, बट एक बार मैंने गलती की थी कि अपने दोस्तों के साथ गया था, तो इससे पहले कई बार कर चुका था, तो मैं उन्हें उसे डरा रहा था कि वो देखो आगे मौत। और वो रोलर कोस्टर सबसे बड़ा वाला रैपिड था, उस रैपिड में मैं गिर गया था, बट मतलब भगवान की असीम कृपा से बच गया मैं। तो हाँ, वो रहता है, मुझे सबसे अच्छा, जब भी इंस्ट्रक्टर बोले कि आप पानी में आप कूद सकते हैं जिस तरह अभी बोल रहा है, तो आप उतर सकते हैं। ये वीडियो हमारा एक्चुअली आप बनवा सकते हैं, तो एक्चुअली जो वीडियो बनाने वाले रहते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे खड़े रहते हैं और आपके राफ्ट का इस तरह से वीडियो बनाते रहते हैं, और आपको बाद में एक, मतलब आई थिंक 3000 लेते हैं पर पर्सन, 400 या 300 पड़ता है। आप जब पे कर देते हैं तो आपके पास एक लिंक आता है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये ऋषिकेश में दो जगह से होता है, ब्रह्मपुरी से और शिवपुरी से। ब्रह्मपुरी से 9 किलोमीटर है और शायद शिवपुरी से 16 किलोमीटर है। मतलब जो दो बड़े रैपिड होते हैं वो शिवपुरी और ब्रह्मपुरी के बीच में आते हैं, तो आप कर सकते हैं, बहुत अच्छा है, गंगा जी का सानिध्य और राफ्टिंग का रोमांच। चलिए, इसी के साथ आपसे मिलते हैं किसी नए वीडियो पे। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू वेरी मच। टाटा, बाय बाय।